जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट के कैंडिडेट के लिए। चाहे आप मैकेनिकल फील्ड के हो या इलेक्ट्रिकल फील्ड के हो, आपको 5 क्वेश्चन जो पूछे जाना है पावर सेक्टर के रिलेटेड जीके से पूछे जाना है। इसकी हमने एक क्लास आपकी करवा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां आपको मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने इसमें इंक्लूड किया था। उसमें आपके बेसिक क्वेश्चन थे कि कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, कब उसकी स्थापना हुई थी, उनकी क्षमता कितनी कितनी है, इस चीज के बारे में सारे क्वेश्चन थे। आज हम जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर सेक्टर के जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, इनके बारे में क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले, तो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम यहाँ पर 200 लाइक का। अगर आप यह 200 लाइक पार करा देते हो तो अगली क्लास में हम पावर सेक्टर का कंप्लीट आपका जो जीके है कंफर्म है कि कवर अप करा देंगे। तो चलिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका टारगेट जरूर पूरा कीजिए 200 लाइक का। मैं आपके लिए अगली क्लास जल्द से जल्द लेके आऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका कि थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर का काम क्या होता है। बताइए भाई, थर्मल पावर स्टेशन जो होता है आपका, थर्मल के बारे में और हाइड्रल के बारे में मैंने आपको कल बता चुका था। जहां कोयला जलकर बिजली बनती है भाप से, वह थर्मल पावर प्लांट। जहां पानी के अंदर बिजली बनती है, पानी के द्वारा टर्बाइन को घुमाया जाता है, वह होता है आपका हाइड्रल पावर प्लांट। तो आपकी वैकेंसी जो आई है थर्मल पावर प्लांट की आई है। हम इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे होंगे, तो क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का काम क्या होता है। तो बॉयलर में ही कोयले को जलाया जाता है, तो कोयले को जलाना यह बॉयलर में ही होता है, ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। कोयले का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, अगला क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर रहेगा पानी को गर्म करना व भाप बनाना। जब भाप बनता है तभी तो टरबाइन घूमता है, टरबाइन की पंखुड़ियां घूमती है, और उसी के द्वारा जो होता है भाप के द्वारा टरबाइन की पंखुड़ी घूमती है, जिससे कि जनरेटर तक वहां से पावर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पीसिफिकेटर क्यों उपयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है ESP। क्या कहा जाता है, ESP कहा जाता है। और यह क्या करता है, तो यह फ्लाई एश को चिपकाने का काम करता है। मतलब यहाँ पर आप इसको समझते चलिएगा, जब पावर प्लांट में कोयला जलता है, इसमें आपने देखा होगा पावर प्लांट में चिमनियाँ बनी हुई होती है, और ये चिमनियाँ जो होती है इसमें से कुछ धूल के कण आदि भी, धुएं आदि के साथ में यहाँ पर धूल के कण भी इससे बाहर जाते हैं। तो यह जो ESP होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिफिकेटर, यह यहाँ पर लगा होता है। यह क्या करता है, जो धूल के कण यहाँ से जा रहे है ऊपर की तरफ, और वह क्या हो गए, वो एटमॉस्फेयर में आएंगे, आपके आसपास कॉलोनी बनी है या शहर है या जो भी है, वातावरण में आएंगे तो प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। इसीलिए यह फ्लाई एश जो होती है इसको चिपका लेता है यहाँ पर दीवारों पर। तो यह काम कौन करता है आपका, ESP करता है। अगर इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिफिकेटर होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन है, ESP का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण को कम करना है। क्यों, क्योंकि यह धूल कण आदि को यहाँ पर चिपका लेता है, रोक लेता है। तो ESP के बारे में आपको पता चल चुका होगा यह चिमनियों में क्या काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम आने की प्रबल संभावना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आपको क्लास एंड तक देखना है, इससे पहले जो क्लास हुई वह भी, और एक क्लास में इसके बाद और लाऊंगा पावर सेक्टर के जीके की। इसी के साथ में जो आपकी टेक्निकल क्लासेस चल रही है वह तो चलेगी ही, एक हफ्ता लगभग आपके पास 8 से 10 दिन अभी भी बचे हुए हैं। इन 8 से 10 दिनों में आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, और अधिक से अधिक क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस कीजिए। इस PDF की अगर हम बात करें तो जैसे ही आपकी क्लास एंड होती है यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इकोनोमाइजर प्लांट में क्यों लगाया जाता है। इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर, तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। मान लीजिए आपका प्लांट है, यहाँ पर आपका कूलिंग टावर बना हुआ है। कूलिंग टावर वह होते हैं जहाँ से आप देखा होगा पानी की बौछारें गिरते रहती है, दो जो व्हाइट कलर के आपको इमेज में, चित्र में, या आपने कोई पावर प्लांट देखा होगा उसमें जो दिखाए जाते हैं, यह होते आपके कूलिंग टावर, जो यहाँ पर पानी ठंडा होता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, बॉयलर आदि यहाँ पर प्लांट के अंदर यहाँ पर लगे होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कई सारे पाइप होते हैं जिनके द्वारा पानी चलता है, और वो पानी उन पाइपों में ही गर्म होता है। और कई सारे यहाँ पर पाइप होते हैं, पाइप में ही पानी क्यों चला जाता है, क्यों देखिए, क्योंकि मान लीजिए पाइप है तो इसको हीटिंग इधर से भी मिलेगी, इधर से भी मिलेगी, दोनों तीनों तरफ से, मतलब राउंड पाइप है, चारों ओर से उसको हीटिंग मिलती है, इसलिए पाइप में ही यहाँ पर पानी को गर्म किया जाता है। कई सारे पाइप यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो जो इकोनोमाइजर होता है, यह प्लांट में जब पानी को पहुंचाया जाता है तो यहाँ पर एक इकोनोमाइजर लगा होता है। यह क्या करता है, जब पानी गर्म होने के लिए, खौलने के लिए, उबलने के लिए जा रहा हो, भाप बनेगी, पानी जब उबलेगा तभी जा रहा हो, तो यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, इसकी प्री हीटिंग हो जाती है पहले ही। तो इकोनोमाइजर प्लांट का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे प्री हीटिंग करना या पानी को खौलाने से पहले गर्म करना, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जनरेटर जुड़ा होता है, तो जनरेटर जो होता है आपका यहाँ टरबाइन से जुड़ा होता है, राइट आंसर आपका क्या रहेगा, टरबाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, टरबाइन की भाप का टेम्परेचर कितना होता है। देखिए टरबाइन से जो भाप निकलती है इसका जो अधिकतम टेम्परेचर होता है वह कितना होगा, तो ध्यान में रखिएगा, आपको इसके टेम्परेचर की बात की जाए, यहाँ पर अधिकतम की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो आपको कहीं पे 220 भी दिखा लिखा दिख जाएगा, तो अधिकतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 540 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्बाइन की एक ब्लेड पर कितने केजी का प्रेशर लगता है, तो टर्बाइन की एक ब्लेड पर 250 केजी का प्रेशर लगता है। जो आपकी टर्बाइन होती है इसमें कई प्रकार की यहाँ पर ऐसी ब्लेडें लगी होती है, और जब यह ब्लेडें घूमती है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भाप का प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, एक ही पंखुड़ी पर 250 केजी का लगता है। 250 केजी आप जान सकते हो लगभग लगभग यहाँ पर 4 से 5 आदमियों के बराबर का वजन होता है, इतना प्रेशर एक पंखुड़ी पे लगता है, तो आपको सोचिए उसकी स्पीड कितनी रहती होगी, हजारों में स्पीड रहती है जब टरबाइन घूमता है उसकी। इससे सेफ्टी से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जनरेटर के अंदर का भाग को क्या कहा जाता है, तो जनरेटर के अंदर के भाग को अल्टरनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि क्लास में जो क्वेश्चन है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए कैंडिडेट जुड़े हुए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लासेस लाने का। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ कि हमने आपके MPPGCL की जो टेस्ट ई बुक थी इसका प्राइस 60% ऑफ कर दिया गया है। जिन्होंने भी अभी तक बॉय नहीं किए जरूर बॉय कर लीजिएगा, चाहे आप मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, आपकी क्लासेस तो चली रही है, लेकिन आपको क्या करना है, अधिक से अधिक जितना हो सके MCQ की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यह जो ई बुक है आपकी, बात करें मैकेनिकल वालों की ही, इसमें आपके टॉप 3700 क्वेश्चन है, 3700 प्रश्न है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जस्ट उसके उनके आंसर भी वहां पर दिए हुए हैं। तो बात करें यहाँ पर यह क्या बेनिफिट होगा आपको, तो आपको अधिक से अधिक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमने चाहे वह ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड हो, चाहे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, मैथ्स से हो या रीजनिंग से हो, वही क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जिनकी एग्जाम में आने की, को इंक्लूड किया गया। टॉप 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के, 1000 क्वेश्चन मिलेंगे वन लाइनर में जीके के, मैथ्स और रीजनिंग की यहाँ पर बात करें तो जिस लेवल का मैथ्स और जितने चैप्टर में पूछा जाता है वही चैप्टर को इंक्लूड किया गया। वैसे तो मैथ्स में 30 से 33 टॉपिक हो जाएंगे, उसमें आपका औसत, सिंप्लीफिकेशन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज सब कुछ आता है, लेकिन जहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं, जिस लेवल के बनते हैं, उसी क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया, और सेम रीजनिंग में भी वही है। बात करें अगर इलेक्ट्रिशियन वालों की, तो उनका भी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया है। आपके भी इसमें बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन और जस्ट उसके नीचे उसका आंसर मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक ई बुक को बॉय नहीं किया है जरूर बॉय कर लीजिएगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस काफी कम रखा गया है, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, अगर सही रणनीति के साथ और सटीक आप इन 8 से 10 दिनों को जीना चाहते हो, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, तो आपके लिए ई बुक बेस्ट रहने वाली है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्यूरीज हो आपकी,
की इसके बारे में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। तो आप जल्द से जल्द बॉय कर लीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। 60% ऑफ है, बहुत कम प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन हो चुका था यहाँ पर 9th नंबर का, 9वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, सुनिए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्टरनेटर कितने आरपीएम पर घूमता है। अभी हमने क्या, अल्टरनेटर कहाँ पर लगा होता है, अंदर साइड लगा होता है, और इसका आरपीएम की बात की जाए तो कितने आरपीएम में घूमता है, 3000 आरपीएम पर घूमता है। तो आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, अल्टरनेटर के आरपीएम के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 3000 आरपीएम आएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में कितने वोल्ट की बिजली निकालती है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है आपका, मतलब बिजली बन रही है आपके प्लांट में, तो वो किसी न किसी ट्रांसफार्मर में तो उसको रोकेंगे, उसको भेजेंगे ही। तो यह जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, इसके बाद ये बिजली अलग अलग बड़े बड़े यहाँ पर पोल लगा के डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो अलग बात है। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो अधिकतम वोल्ट होता है वो कितने वोल्ट तक हो सकता है, तो वह होता है लगभग 220,000 वोल्ट। कितना, 220,000 वोल्ट। इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि जहां पर भी पावर प्लांट होता है, मान लीजिए आपका एमपीजीएल में खंडवा बूंदी में है, सारनी में है, बिरसिंहपुर में है, चांदनी पावर प्लांट है, जितने भी पावर प्लांट हैं, तो अगर मान लीजिए आपका खंडवा में पावर प्लांट है मोदी में, तो यहाँ पर इसकी बिजली को यूज़ नहीं किया जाएगा, इसकी बिजली को थोड़ा दूर के शहरों में ले जाकर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको समझ में आ गया, पावर ट्रांसमिशन का जो वोल्ट होता है कितने वोल्ट का होता है, 220,000 वोल्ट अप्रॉक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाप बने पानी को जिस स्थान पर ठंडा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कूलिंग टावर कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, आपने कई बार इमेज में भी देखा होगा, या प्लांट अगर आप एमपी के रहने वाले हो तो आपने प्लांट तो जरूर देखे होंगे, वो ऐसे बड़े बड़े जो टावर बने होते हैं सीमेंटेड व्हाइट कलर के, यह कूलिंग टावर होते हैं। यहाँ पर जो आपको भाप निकलते दिखती है वो भाप वो गर्म पानी की ही होती है, और उसमें भी कई प्रोसेस होती है। कूलिंग टावर की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो मान लीजिए आपका यह कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर कैसा होता है, तो कूलिंग टावर आपका इस टाइप का होता है, यहाँ से इसको आप कर लीजिए राउंड, यहाँ से भी इसको आप कर लीजिए राउंड, बहुत बड़े आकार में होता है, कई मकानों की से ज़्यादा जगह यह घेर लेते हैं। तो यह जो आपके कूलिंग टावर होते हैं कुछ इस टाइप के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, जब पानी आपका यहाँ से जाता है तो कुछ पानी को तो यहाँ पर यहीं पे ठंडा कर लिया जाता है प्रोसेस द्वारा, वो पानी नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी यहाँ पर भाप के रूप में बनता है, तो यहाँ ऊपर की ओर यहाँ पर आपको उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यही होता है आपका कूलिंग टावर, ऐसे ही यहाँ पर पानी को जो है ठंडा किया जाता है। तो कूलिंग टावर का काम क्या है, भाप बने हुए पानी को जब रिटर्न आता है तो उसको ठंडा करना, और फिर इस पानी को वापस जो है फिर से भेजा जाता है, फिर से यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी को भाप बनाने से पहले कौन सी प्रोसेस की जाती है। तो पानी को भाप बनाने से पहले आपकी जो प्रोसेस की जाती है वह होता है आपका डीमिनरलाइजिंग। कौन सी होती है, डीमिनरलाइजिंग की प्रोसेस की जाती है, और यह कहां पर की जाती है, तो अगले ही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। डीएम प्लांट किसे कहते हैं, तो जहां पर पानी को डीमिनरलाइज किया जाता है उसी को डीएम प्लांट कहते हैं। जब पानी डीमिनरलाइज हो जाएगा तब यह जाता है वहां पर भाप बनने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं दावा करता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने एक एक सटीक और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाया है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, नए जुड़े तो सब्सक्राइब करना है, और इसी आधार पे आपकी ईबुक भी बनाई हुई है, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो चाहे वो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन हो। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टरबाइन कैसे चलता है, बताइए टरबाइन जो होता है कैसे चलता है। तो ब्लेड पर तरल पदार्थ या अन्य पदार्थ का दबाव डालता है जिससे कि रोटरी घूर्णी चलती है। यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, जो टरबाइन की ब्लेड होती है यहाँ पर तरल पदार्थ या अन्य दबाव डालता है। अपन किससे दबाव डालेंगे थर्मल प्लांट में, यहाँ पर भाप से। तो इससे क्या होगा, इसकी रोटरी घूमेगी और फिर वो पावर जनरेटर तक जाएगा। अगला ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। तो टरबाइन जो आपका भाप टरबाइन है, भाप टरबाइन का आविष्कार 1884 में चार्ल्स पार्सन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स पार्सन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको ये एग्जाम में बने ही। चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कि थर्मल पावर प्लांट में
चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो थर्मल पावर प्लांट में चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम की बात कर रहे हैं हम, इससे तो अधिक ही होगी, लेकिन सबसे कम की अगर बात की जाए तो 220 मीटर तक यहाँ पर हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर प्लांट में बॉयलर के भाप का अधिकतम तापमान कितना होता है? देखिए भाप जो बनती है आपकी बॉयलर, बॉयलर में क्या होता है अभी हमने देखा, कोयले को जलता है, ऊपर साइड जो होता है पानी की पाइप लगे होते हैं जहाँ से पानी गर्म होता है, तो यह जो भाप बनती है या यह जो पानी होता है इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर है उसका कि उच्च दबाव वाली भाप का तापमान, यह दबाव उच्च दबाव वाली है जब ही तो 3000 के RPM से यह आपकी पंखुड़ियों को घुमा पा रही है, तो कितना होता है इसका टेम्परेचर? तो यहाँ 232 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है या इससे अधिक भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 450 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या रहना है यहाँ पे, 232 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे भी, याद रखना मेरी इस चीज़ को, इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चिमनी की सक्शन पावर कितनी होती है, होनी चाहिए? तो चिमनी होती है या सक्शन पावर इसकी जो होती है कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, 500 मीटर क्यूबिक प्रति घंटा से 1200 मीटर क्यूबिक प्रति घंटा, कितनी? 500 मीटर क्यूबिक प्रति घंटा से 1200 मीटर क्यूबिक प्रति घंटा होनी चाहिए चिमनी की सक्शन पावर। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर यह ध्यान में रखिएगा, अच्छी क्लासेस यहाँ पर लेके आऊँगा। बॉयलर क्यों फट जाता है? तो देखिए बॉयलर जो होता है इसके फटने के मुख्य कारण क्या है, उच्च दबाव बॉयलर विस्फोट का प्रमुख कारण है। क्या है? अगर हाई यहाँ पर दबाव यहाँ पर डाला जाएगा उस पर तो बिल्कुल बॉयलर फटने के चांसेस, कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी देखने को मिली है। वन नंबर का इसमें आपको पूछा गया है, बॉयलर में TTT क्या है? टी मतलब यहाँ पर टाइम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए टाइम मतलब समय, तापमान और अशांति, तो बॉयलर में TTT यह होते ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मल पावर प्लांट में किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इनका आपने देखा होगा कि इनका जो पावर क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है, अभी हमने डिस्कस किया था 220,000 तक होती है। अब इसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहा जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 23 नंबर का और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान में रखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट में प्रयुक्त विभिन्न जनरेटर सुरक्षाएं क्या है? जो जनरेटर होता है इनकी सुरक्षाओं के बारे में क्या क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? तो एक तो आपका आ जाएगा प्रमुख वाइंडिंग दोष, ओवरलोड सुरक्षा, वाइंडिंग या बियरिंग का अधिक गर्म होना और ओवर स्पीड। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना है जनरेटर के बारे में, थर्मल पावर प्लांट हो या अदर भी कोई प्लांट हो यहाँ पर भी यही चीज़ें काम में आएगी। नेक्स्ट है आपका विद्युत संबंधित मुख्य सुरक्षा नियम क्या है? तो विद्युत संबंधित मुख्य सुरक्षा नियम आपका सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, हाथ के दस्ताने, स्लिंग, रस्सी आदि के उपयोग को सुनिश्चित करें। अब जैसा आपका काम होगा वहाँ पर, जिस टाइप का वर्क होगा उस टाइप। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जब पावर प्लांट से बड़े बड़े टावरों के द्वारा बिजली को ले जाया जाता है तो उन टावरों पर लगी केबल को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कई बड़े बड़े एकदम टावर लगे होते हैं जिनपे जो हाई वोल्टेज करेंट होता है वह चलता है, इस टाइप के बड़े बड़े टावर बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप के, यहाँ पर उसकी अर्थिंग लगी होती है सबसे ऊपर और यहाँ से जो है यहाँ पर 3-4 वायर जो होते हैं बड़े बड़े रोप यहाँ से चलते हैं, तो इन केबल की बात की गई, इनको क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है ACSR केबल, मतलब कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इनको कहा जाता है ACSR केबल। अगला ही क्वेश्चन देखिए क्या है, दो मेन टावरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? एक टावर से लेके दूसरे टावर की बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्पेन। क्या कहा जाता है? स्पेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि यह जो क्वेश्चन है आपके बेसिकली जो MPBGCL ने जिस टाइप का बोला गया है कि भाई पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो MPBGCL के पावर सेक्टर से रिलेटेड तो नहीं है पर पावर सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एडीएम को भी किया है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के तार से जमीन तक की दूरी को क्या कहते हैं? जो आपके टावर होते हैं यहाँ पर, मान लीजिए टावर के ये तार है तो यह बिजली के तार से नीचे जो जमीन होती है ये इस डिस्टेंस को, इस दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्राउंड क्लियरेंस। क्या कहा जाता है? ग्राउंड क्लियरेंस कहा जाता है। तो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको
पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका, किसी भी ट्रांसफार्मर टावर में सबसे ऊपर एक सिंगल रोप केबल लगी होती है, वह क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर होती है यहाँ पर, यह अर्थिंग होती है, यह लगी होती है और यह टावर से जुड़ी भी होती है। ध्यान में रखिएगा, इस पे किसी इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे क्वेश्चन बनाया भी है कि क्या अर्थिंग वायर में इंसुलेटर लगाया जाता है, तो नहीं लगाया जाता। यहाँ पर यह डायरेक्ट टावर से जुड़ी होती है ताकि जब भी यहाँ पर ऐसी संभावना हो, करेंट जो है यहाँ पर धरती में सीधा ही चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्पर वायर का उद्देश्य क्या है? तो जम्पर वायर का उद्देश्य होता है लोड को कम करना। जम्पर वायर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक टावर है, बड़े बड़े टावर जो होते हैं जिनपे बड़ी लाइन जाती है, उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक केबल यहाँ से यहाँ तक यह वायर जाएगा, यहाँ मान लीजिए तीसरा टावर है, यहाँ से यहाँ तक वायर जाएगा, यह रोप जाएगी आपकी CSIR केबल जो आपकी होती है वही। तो यहाँ और यहाँ जो होता है केबल में जॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं कि केबल एक ही होती है, अलग अलग यहाँ से यहाँ तक अलग होती है। तो यहाँ पर इन टावरों के ऊपर जिनका लोड पड़ता है, तो इन लोड को कम करने के लिए, बिजली के लोड की बात नहीं हो रही, इनके वजन के लोड की ही बात हो रही है, इनको कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? तो यहाँ पर जम्पर वायर का उपयोग किया जाता है। तो कई चीजें हैं इनके बारे में भी समझने के लिए, हालांकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लाए है। एक क्लास में आपके लिए और लाऊंगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है पावर सेक्टर से रिलेटेड ही। उसके लिए आपको आपका टारगेट पूरा करना है, 200 लाइक आपको पूरे करने हैं। 200 लाइक पूरे करने के लिए आपको अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना है। तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक ईबुक बॉय नहीं किए, बिल्कुल ईबुक आप बॉय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सटीक रणनीति के साथ सही तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आपके लिए वहां पर बेनिफिट होगा ही होगा। आप जानते हो आपको समय नहीं मिला तैयारी करने का, अभी भी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से एक हफ्ता मान लीजिए, जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए।